हेलो डियर स्टूडेंट्स, 13th ऑफ सितंबर लक्ष्य निर्धारित है। बेहतरीन क्वेश्चन यार, एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना आंखें खोल देने वाला क्वेश्चन, रियल सेंस में मल्टी कंसेप्चुअल जिसे कहा जाता है। और ये तो क्रेडिट जी पे हम सब लोग बहुत मेहनती हैं, आपके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करके लाते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन का दोनों के जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं अच्छे लेवल पे, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाईली जिसे कहते हैं ना रिलेवेंट, इस तरह के क्वेश्चन करते ही रहने चाहिए, बहुत फायदा होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आते हैं। तो चलिए, बहुत जल्दी चूंकि टाइम बहुत कम है इसलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, आपके पास जो मेरा वीडियो है उसके थंबनेल पे ही लगा हुआ है। फ्लैश लाइट की बात कर रहे हैं और बैटरीज वॉर्न ऑफ। जब बैटरीज धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो क्या होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और चार बेहतरीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, एंड उन्हें पढ़िएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सामने ही दिया हुआ है आपको। तो कह रहा है कि फ्लैश लाइट जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट मिलती है, और किसकी वजह से, तो आपकी बैटरीज की वजह से हमें लाइट मिलती है। तो जब बैटरीज वॉर्न ऑफ हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी काम करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, तब क्या होता होगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन देखिएगा, फिर ऑप्शंस पे भी नजर मारेंगे। पर यार, बैटरीज के पुरानी होने से फ्लैश लाइट की लाइट पर क्या असर आ सकता है, उस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये बैटरी है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ARB इसके दो टर्मिनल हैं आप जानते हैं, और जब तक फर्म लाइन है तब तक आप गए। तो ये फर्म लाइन का मतलब वही कंडक्टर है, तो ये टर्मिनल आपका भी यहां से यहां तक पहुंचा, ये रहा। कोई इक्विपमेंट आ जाए, रेजिस्टेंस, बैटरी, इंडक्टेंस, कोई भी आ जाए, तब टर्मिनल का नाम बदलता है। जब तक ये फर्म लाइन रहती, कंडक्टर रहता है, तब तक टर्मिनल का नाम और पोटेंशियल नहीं बदलता। देखो, ये बी के बाद में रेजिस्टेंस आ गया तो अब टर्मिनल बदल जाएगा, ए के बाद में इधर EMF आ गया तो बदल जाएगा। आगे चलिए, तो ये फर्म लाइन से यहां तक पहुंच गया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपका ये जो फ्लैश लाइट है, बेसिकली इट इज अ रेजिस्टेंस, है कुछ नहीं, फ्लैश लाइट है क्या, रेजिस्टेंस है। उसमें क्या होता है आप जानते हैं, फिलामेंट होता है, किसका बनाते हैं, टंगस्टन का बना होता है, ह्यूज टेम्परेचर्स आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं वो बता रहा हूं आपको। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल, ये रहा ए और बी, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, ए और बी के अक्रॉस, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है, ये रहा ए और बी। और अब आपने कहा कि सर ये फ्लैश लाइट जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, फ्लैश लाइट रेजिस्टिव डिवाइस है, समझना पड़ेगा आपको, सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फ्लैश लाइट में क्या रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस ने पावर कितनी कंज्यूम की, तो ए से लेकर बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए से लेकर बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस है VAB। और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए R। ये क्या है आपके पास, तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इट इज सिंपली द फ्लैश लाइट, ये फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना VAB, रेजिस्टेंस कितना R, तो इसने इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम किया VAB स्क्वायर अपॉन R। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जितनी ज्यादा आपका ये फ्लैश लाइट पावर कंज्यूम करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इससे मिलने वाली जो लाइट है, आपको ये लाइट मिल रही है आपको इस तरीके से, फोटॉन्स है ये, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। पावर जितनी ज्यादा कंज्यूम होगी आपको रोशनी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ज्यादा मिलेगी। अब ये जितनी भी फ्लैश लाइट्स हैं, यूजुअली आपको इस समय कौन सी लाइट देती है, व्हाइट लाइट देती है, तो लाइट कौन सा मिल रहा है, व्हाइट। अब समझिएगा हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपने ये डिसाइड किया कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी की कन्वर्ट हुई किसमें, इसके पास स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, लाइट एनर्जी में। और लाइट के पास दो चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर वन इज इंटेंसिटी एंड नंबर टू इज गोइंग टू बी इस कलर। पहली चीज इंटेंसिटी और दूसरी कलर,
है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलता हूँ पहले मैं अभी इससे। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपकी बैटरीज पुरानी होती चली जाती हैं, वॉर्न ऑफ होने की वजह से उनका टर्मिनल वोल्टेज कम होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? मतलब जैसे जैसे बैटरी पुरानी होगी तो बैटरी के अक्रॉस जो दोनों टर्मिनल्स हैं बैटरी के, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे टेक्निकली आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और अब यदि VAB की वैल्यू कम हुई तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि पावर कंजप्शन कम हुआ तो अब मुझे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम मिलेगी। तो ये तो एक बच्चों का खेल था, इस चीज से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई बनाने वाला भी नहीं है आपको। मतलब जैसे जैसे आपकी बैटरीज पुरानी होती चली जाती हैं, आप ये कहते हो कि सर जो हमारी फ्लैश लाइट है ना, वो रोशनी कम देना शुरू कर देती है, ये तो सामान्य सी चीज है। अब क्या हुआ, जब आप चार ऑप्शंस पे जाओगे तो उन ऑप्शंस को तो आप हटा देना, जहां इंटेंसिटी या तो बढ़ रही है या कॉन्स्टेंट है। लेकिन यहां ऑप्शंस थोड़े से खतरनाक है, यहां ऑप्शंस आपके पास क्या है कि इंटेंसिटी भी कम हो रही है और रोशनी सफेद से पीली हो रही है। इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, वो तो कम है ही सही, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जो रोशनी है वो सफेद से पीली होती चली जा रही है, या आपके पास में वो रोशनी जो है वो सफेद की जगह पर लाल होती चली जा रही है, इस तरह के खतरनाक ऑप्शन है और वहां फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि ये तो सब जगह पकड़ में आ गया, सारे बच्चे को ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता है कि जैसे ही पावर कंजप्शन कम होगा, बैटरी पुरानी होगी, पावर कंजप्शन कम होगा और आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि ये जो फिलामेंट है आपका, जब करंट पास आउट होती है इसमें से, तो करंट जब पास आउट होती है तो ये हीट अप होता है, और हीट अप होने की वजह से इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, कैपिटल टी। और सारा खेल इस टेम्परेचर का है, जितनी हीट डेवलप होगी, जितनी ज्यादा ये पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप का मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी मींस पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जितनी ज्यादा पावर कंजप्शन होती है आपकी हीट उतनी ज्यादा डेवलप होती है और इस फिलामेंट का टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाता है, कैपिटल टी है, ये फिलामेंट टेम्परेचर है। और फिलामेंट किसका है, ये जल्दी से बोलो, ये फिलामेंट है आपके पास में फ्लैश लाइट का। और ये टेम्परेचर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो एनर्जी इमिटेड है, रेडिएशन है भाई, ये फ्लैश लाइट जो है ना, इसकी वजह से जो आपको लाइट मिल रही है वो लाइट है क्या, रेडिएशन। तो ये रेडिएशन में एक पावर का आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं इमिसिव पावर। दो वर्ड आ रहे हैं अब आपके पास में, वन इज इमिसिव पावर और एक आता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल, दोनों के दोनों आप रेडिएशन में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रल ईपी लिख दिया मैंने, इमिसिव पावर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर फोर। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा, रेडिएशन उतना, रेडिएशन पावर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वो उतनी ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ग्राफ है, ये ई लेमड़ा तो क्या है आपका, ये आपने पढ़ा हुआ है सबका सब, ई लेमड़ा तो है आपका स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और लेमड़ा क्या है आपके पास में, वेवलेंथ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो यदि टेम्परेचर कैपिटल टी वन है तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ, ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इस बॉडी का टेम्परेचर है टी वन, तो बॉडी का जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है और वेवलेंथ है उसका ग्राफ ये वाला आएगा। और यदि बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टू, कैपिटल टी टू है, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ ये वाला आएगा। आप देखोगे तो दो शिफ्ट, एक तो आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक आप देखोगे कि रेंज भी बढ़ गई। एक और चीज अभी बताता हूं, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपने
एक ही चीज देखी है कि इस ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया वो भी बढ़ गया, पहले कम था और फिर ज्यादा हो जाएगा इसके लिए। इस समय क्या है, T2 greater than T1 है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये ग्राफ जो बताता है एरिया, ये बताता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, नहीं इमिसिव पावर कितनी है। तो ये एरिया इमिसिव पावर को बताएगा। और अब जो आपके पास, में इसको ब्लैक कर देता हूं, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो आप देखोगे ग्राफ के नीचे का एरिया बढ़ जाएगा। ये ब्लैक कलर में देख रहे हो आप, पुराना वाला एरिया तो है ही सही, बाकी नया भी आ गया। आ गई मेरी बात समझ में? तो ज्यादा रोशनी मिलेगी, इमिसिव पावर ज्यादा होगी। तो आपने कहा सर क्या चीज है, पहली चीज आपने जैसे ही पावर कंजप्शन कम हुआ, हीट कम डेवलप हुई तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इमिसिव पावर कम हो गई, मतलब आपको जो एनर्जी मिल रही थी, जो इंटेंसिटी मिल रही थी वो कम हो गई, रोशनी कम मिल रही है, ये तो क्लियर है। पर एक और चीज है, ये जो वेवलेंथ है ना लैम्बडा, यहां हटा रहा हूं मैं और इसके नीचे लिख रहा हूं एम, ये वो वेवलेंथ है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आप क्या करते हो, पावर इमिट करते हो। ये T1 की है और ये T2 के लिए। ये वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीन्स लॉ यहां पे आता है आपका, और वीन्स लॉ कहता है लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब कुल मिला के ये समझिए बहुत अच्छी तरीके से कि आपके पास इस फिलामेंट ने, इस आपकी फ्लैश लाइट ने सारे कलर दिए, सारे वी आई बी जी वाई ओ आर, समझना, सारे कलर दिए, इन सबसे मिलके क्या बना, व्हाइट लाइट, सेवन कलर्स हो गए ना। लेकिन ये देखिएगा ध्यान से कि उसमें अलग अलग सेवन कलर्स के कॉम्बिनेशन में आपके किसी एक कलर का डोमिनेशन रहेगा। सबसे ज्यादा डोमिनेशन किसका रहेगा, इस वेवलेंथ का। उसमें है लैम्बडा आर भी है, रेड की वेवलेंथ भी है, उसमें वायलेट भी है, उसमें येलो भी है, उसमें इंडिगो भी है, उसमें ग्रीन भी है, वी आई बी जी ओ वाई आर सारी वेवलेंथ है उसमें, तभी तो वो व्हाइट दिख रहा है। लेकिन किसी एक कलर के प्रति पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक दिए हुए टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो कलर इमिट होगा वो क्या होगा, लैम्बडा एम वाला, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा एम है। ये पसंदीदा कलर है इस टेम्परेचर का। जब डिवाइस का टेम्परेचर, जब फ्लैशलाइट का टेम्परेचर कितना है, टी वन है, तो उसका पसंदीदा कलर जो वो इमिट करती है, इमिट तो इंडिगो भी कर रही है, इमिट तो ब्लू भी कर रही है, इमिट तो आपके पास में रेड भी कर रही है, येलो भी कर रही है, लेकिन पसंदीदा कलर कौन सा इमिट कर रही है, सबसे ज्यादा कौन इमिट कर रही है, सबसे ज्यादा वो कलर इमिट कर रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा एम है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अब टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, कैपिटल टी टू, तो इसी डिवाइस का अब पसंदीदा कलर बदल गया। और वीन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी डिवाइस जिस कलर को इमिट करती है, जो उसका पसंदीदा कलर है, जिसको वो मोस्ट पावरफुल वे में इमिट करती है, वो वेवलेंथ जिसे हम क्या कहते हैं, वो वेवलेंथ जिसे हम लैम्बडा एम कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी है। दिस लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पसंदीदा वेवलेंथ यहां से यहां शिफ्ट हो गई। मतलब पहले यहां विबग्योर लिखते हैं एक बार, सपोज पहले ऑरेंज पसंदीदा कलर था यहां, ठीक है, तो पसंदीदा कलर पहले कौन सा था, ऑरेंज। अब वेवलेंथ को कम करो तो ऑरेंज से कम वेवलेंथ येलो की, ग्रीन की, ब्लू की। अब आपने यदि पहले पसंदीदा कलर ऑरेंज था, तो अब पसंदीदा कलर कम होके क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, पसंदीदा कलर किधर की तरफ शिफ्ट होगा, वायलेट की तरफ, रेड से वायलेट की तरफ। और यदि टेम्परेचर कम करते चले जाओगे, तो पसंदीदा कलर किधर से किधर की तरफ शिफ्ट होगा, वायलेट से रेड की तरफ। रुक रहा हूं मैं, विबग्योर वापस लिखता हूं आपके लिए, आई एम राइटिंग इट अगेन, दोबारा से लिख रहा हूं।
VIBGYOR, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा इमिट होने वाला, जिसे हम पसंदीदा कलर कह सकते हैं, वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा? रेड से वायलेट की तरफ, मतलब वेवलेंथ क्या होता चला जाएगा? कम। और जब भी टेम्परेचर घटाओगे, ये टेम्परेचर जब घटाओगे, इधर टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, तो आपके पास वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, और पसंदीदा कलर लैम्डा एम वायलेट से रेड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? एंड दिस लॉ इज नोन टू बी एज व्हाट? दिस लॉ इज नोन टू बी एज वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकेले इस पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अब आपके एग्जामिनर ने दो चीजों को मिला के क्वेश्चन बनाया यार, और क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एक सेकंड में करोगे आप उसको, पर इन चीजों को आपको ज्वाइन करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो फंस जाते हैं। अब बच्चे ने क्या कहा कि सर बैटरीज जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती हैं, एक बात तो समझ आ गई सर, पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, पावर VAB की वजह से, आपका टर्मिनल वोल्टेज कम, पावर कंजप्शन कम, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी तो कम होती चली जाएगी। लेकिन सर आपने जैसे जैसे पावर कंजप्शन कम होगा, हीट का डेवलपमेंट भी कम होगा, और डिवाइस का जो टेम्परेचर है अब, वो इस डिवाइस का, इस फिलामेंट का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और यदि आपका टेम्परेचर कम हुआ तो पहले टेम्परेचर कितना था? T2। और चूंकि अब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरीज पुरानी हुई, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज कम हुआ, पावर कंजप्शन कम हुआ, हीट कम जनरेट हुई, हीट कम जनरेट हुई तो टेम्परेचर कम हो गया, तो T2 से किधर शिफ्ट कर गए हम? T2 से T1 की तरफ। और T2 से T1 शिफ्ट करते ही पसंदीदा वेवलेंथ, टेम्परेचर कम हो रहा है तो पसंदीदा वेवलेंथ बढ़ेगी, पसंदीदा वेवलेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब हम इंडिगो से रेड की तरफ, ब्लू से रेड की तरफ, क्यों? क्योंकि पसंदीदा वेवलेंथ बढ़ रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो ऑप्शन था ना, वो क्या था? फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास में, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी और कलर रेडिश हो जाएगा, हम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यह आंसर है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए सोच समझ के लिया है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करते हैं। आज घर जाके आप एक बार वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ का, उसके ग्राफ्स का, रेडिएशन के लॉ का, सबका रिवीजन कर लीजिएगा, और एक बार आपके पास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसे कहा जाता है, हम इसे धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसे कहा जाता है, उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। छोटे मोटे फार्मूले हैं, पर मैं लगातार इसी तरह से नए क्वेश्चन